आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है, तत्वों के कृत्रिम तत्वांतरण में अल्केमिस्ट धातु जैसे लोहे बहुमूल्य धातु जैसे सोने में परिवर्तित करने में रुचि रखते हैं। उप परमाणु कणों की संख्या का उपयोग साइक्लोट्रोन में इन कणों को आगे बढ़ाकर प्रक्षेप के रूप में नाभिक से टकराने में किया जाता है। सामान्यतः कुछ उप परमाणविक कण भी निकलते हैं अथवा कुछ स्थिति में गामा किरणें उत्सर्जित होती है। यह नाभिकीय क्रिया को सामान्यतः बेथे की अंकन विधि द्वारा प्रदर्शित की जाती है। निश्चित स्थिति में यह निरीक्षण किया गया है कि अस्थायी नाभिक का कृत्रिम तत्वांतरण रेडियो सक्रिय रेडियो समस्थानिक देता है जो स्वयं विघटित होकर प्राकृतिक रेडियो तत्व बनाता है। यह तत्व प्रेरित रेडियो सक्रियता को दर्शाता है, कहलाता है। निम्न में से कौन सा अंकन विधि का उत्पादन का सही क्रम प्रदर्शित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। ऐसे वेद के नियम ने जो बताया था, उन्होंने क्या बताया था कि दोनों तरफ, ध्यान से सुनिएगा, दोनों तरफ यानी अभिक्रिया के दोनों तरफ जेड और ए का मान समान होगा। जेड मतलब परमाणु संख्या और ए मतलब परमाणु द्रव्यमान समान होगा, समान होता है, समान होता है। चलिए पहला वाला देख लेते हैं। पहला विकल्प क्या दिया गया है कि एक हमारे पास सीएम है, तत्व है जिसका परमाणु संख्या 96 है और परमाणु द्रव्यमान 242 है, 242, और उसमें अल्फा कण को जोड़ा गया है। अल्फा कण का परमाणु संख्या 2 है, परमाणु द्रव्यमान 4 है। तो यहाँ से क्या निकल गया, एक बीके तत्व उत्पाद में बन गया जिसका परमाणु संख्या 97 है और परमाणु द्रव्यमान 243 है और 2 न्यूट्रॉन निकलता है। और हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन पे परमाणु संख्या 0 और परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। चलिए चेक करते हैं। अभिकारक में परमाणु संख्या 96 और 2 98 हो गया और ये 97 है, तो बिल्कुल है कि पहला वाला ही परमाणु संख्या ही गलत हो गया। तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि बीते के अनुसार ये गलत स्टेटमेंट हो गया ना, क्योंकि परमाणु संख्या समान होना चाहिए था दोनों तरफ, ये तो समान ही नहीं है। दूसरे का अगर देखा जाए, दूसरे विकल्प में तो क्या दिया गया था, हमारे पास कुछ तत्व है जिसका परमाणु संख्या 10, परमाणु संख्या 5 और परमाणु द्रव्यमान 10 है, तो बोरोन होता है। जब उसमें अल्फा कण को जोड़ेंगे जिसका परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 है, तो क्या बन गया, नाइट्रोजन बन गया 7 और 13 और साथ में एक न्यूट्रॉन बन गया। तो पहले चेक करते हैं परमाणु संख्या, तो 5 और 2 7, इधर भी देखिए तो 7 7 बराबर है, यानी अभिकारक उत्पाद में बराबर है। मास नंबर देखिए, द्रव्यमान संख्या तो 10 4 14 और 13 और 1 14, यानी कि ये वाला सही है, पहला वाला गलत था। तीसरा वाला अगर देखा जाए तो इसमें 7 14 के परमाणु जिसको नाइट्रोजन कहते हैं, अब उसमें न्यूट्रॉन का जोड़ा जाता है, न्यूट्रॉन अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक बोला है कार्बन 6 14 बन रहा है और साथ में प्रोटॉन उत्सर्जित हो रहा है जिसका परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान भी 1 होता है। तो चेक कर लेते हैं, दोनों तरफ परमाणु संख्या कितना है, 7 और 0, 7 हो गया, इधर भी 6 और 1 7 है, परमाणु संख्या समान है। परमाणु द्रव्यमान देखते हैं 14 1 15, 14 और 1 15, यानी कि ये सही बोला गया है। और चौथा देखा जाए सिलिकॉन वाला, तो सिलिकॉन के लिए कितना दिया गया है, 14 और 28 दिया गया है और उसमें ड्यूटेरियम को जोड़ा गया है। ड्यूटेरियम का मतलब होता है कि 1H2, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 2, फॉस्फोरस 15 और 29 है और एक न्यूट्रॉन मुक्त हुआ है 0 1। तब चेक कर देते हैं कि दोनों साइड परमाणु संख्या कितना है, 14 1 15, जो कि सही है, और परमाणु द्रव्यमान कितना है, 28 और 2 30, 29 और 1 30, सही है, यानी ये वाला सही है। तो कौन सा गलत हो गया कथन इनके लिए, पहला वाला। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।